ये कहना चाहूंगा कि किसी बाबा जो बाबा राम रहीम के नाम पर हिंदू मुसलमान सिखों को इकट्ठा लाने की भूमिका लेकर आगे चल रही थी तो तब तक ये बात ठीक थी। अगर ये मिशन हिंदू मुसलमान और सिखों को एक साथ लाने का था तब बात ठीक थी, लेकिन जब बाबा का ये बाबा हिंदू बाबा है, ये कैरेक्टरलेस बाबा है, महिलाओं का शोषण करने वाला बाबा है, दो नंबर का धंधा करने वाला बाबा है, ऐसी जानकारी मिलने के बाद दलितों ने ऐसे बाबा को समर्थन नहीं करना चाहिए। तो मैं दलितों को अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे राम रहीम बाबा के पीछे लगने के बजाय आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा के पीछे लगना चाहिए और आपने परिवर्तन करना चाहिए, आपने मजबूत होना चाहिए, ऐसे मेरा इसमें कहना है। दूसरा ये है कि मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय ने अभी ये 2 साल के अंदर हमारे मंत्रालय ने एक ओबीसी कमीशन जो है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय दे लिया है। उसके साथ साथ जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया है। जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 था उसमें अमेंडमेंट करके उसमें और भी सुधार करने की कोशिश हमने की है। उसके साथ साथ जो हैंडीकैप थे, हैंडीकैप का 3% रिजर्वेशन नौकरियों में था, वो 4% करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। तो मेरा मंत्रालय तो मतलब ओल्ड एज लोगों को ओल्ड एज होम देने का हमारा काम है, आश्रम स्कूल देने का काम है, हॉस्टल के बिल्डिंग के लिए पैसा हम देते हैं, फिंचर कैपिटल की हमारी स्कीम है, और इसी तरह मतलब सफाई मजदूरों को न्याय देने का काम हम करते हैं। सब जितने भी ठीक है, अभी तो बाबा तो अभी है ही नहीं है, बाबा तो अभी अंदर से चले गए हैं। नहीं, अभी दल के लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि अगर लोगों की श्रद्धा है तो इसीलिए कुछ लोग जाते हो। पास किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जाना नहीं चाहिए। अगर बाबा अच्छा काम कर रहे होंगे तो श्रद्धा की भावना से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी ये सभी बाबा आसाराम बापू है, रामपाल है, राम रहीम है, ये उदाहरण देखने के बाद अभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी सोच कर वहाँ जाना चाहिए, जानकारी लेकर से जाना चाहिए, ना कि मतलब ब्लाइंडली नहीं से वहाँ जाना ठीक नहीं है। इसलिए अभी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, मगर ऐसे भूंदू बाबा के पास दलितों ने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है। सर एक और आपने बोला कि पंजाब में चाहे मौजूदा कांग्रेस सरकार, लेकिन जो बीजेपी का नारा है, मोदी साहब का नारा, सबका साथ सबका विकास, पंजाब को फुल सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो मतलब पंजाब के लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो अकाली दल और बीजेपी एक साथ थे, अभी इसके पहले उनकी सरकार 10 साल थी, अभी कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसीलिए उनको मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं है। मैं भी एज ए सोशल जस्टिस मिनिस्टर मैं भी कोशिश करूंगा, अगर पंजाब के ऐसे कोई विषय पेंडिंग है तो लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार काम करती है। चुनाव के टाइम पर हम राजनीति की खेलेंगे, लेकिन एक बार सरकार आने के बाद सबको मदद करने की भूमिका सरकार होती है, नरेंद्र मोदी सरकार वही भावना है, और ऐसे कोई पेंडिंग इशू हो गए तो जरूर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार उसके लिए कोशिश करेगी। अगर जिस तरह हमारे नितिन गडकरी जी है, वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड के कोई प्रॉब्लम हो गए तो उनके साथ मैं बात करूंगा, रेल के संबंध में अभी पीयूष गोयल जी मिनिस्टर, उनके साथ मैं बात करूंगा, अगर पावर प्रोजेक्ट के संबंध में जो हमारे कंसल मिनिस्टर है उनके साथ मैं बात करूंगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार पंजाब को भी पूरी मदद करना चाहती है, ना कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए पंजाब को डेवलपमेंट से अलग करना हम नहीं चाहते। ये भी आप एडवोकेसी की है कि मराठे भी बहुत गरीब है, जाट भी बहुत गरीब है, पटेल भी बहुत गरीब है, उनको भी रक्षण मिलना चाहिए, पहले संविधान में आना चाहिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और ओबीसी को शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण मिलता है, उसी तरह हरियाणा के जाट है, या पंजाब के जाट है, या महाराष्ट्र के मराठा है, गुजरात के पटेल है, राजपूत है, राजस्थान के ब्राह्मण समाज है, तो ऐसे हर समाज में सभी लोग इकोनॉमिकली बहुत अमीर हैं, ऐसा हमारा मानना नहीं है।
उस समाज में बहुत सारे लोग क्रिमिलियर है और ऐसे क्रिमिलियर लोगों को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है एक साल का, ऐसे फैमिली को भी एक 25% रिजर्वेशन देना चाहिए और 50% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 75% करने का कानून बनना चाहिए। उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से बात करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये समाज को भी न्याय मिलना चाहिए और SC ST और OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाते हुए बचे हुए 50% में अगर 25% आरक्षण ये तमाम लोगों को दिया जाता है और 25% आरक्षण 25% जगह जो है सबके लिए कंपटीशन के लिए रखी जाती है तो सबका समाधान हो जाएगा। और इसीलिए ये जाट कम्युनिटी को, मराठा, पटेल को, ब्राह्मण को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि दलित पर अत्याचार जो हो रहे हैं, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, रोटी बेटी बेटी व्यवहार भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जहाँ जहाँ कभी कभी अत्याचार होते हैं, घटनाएं घटती है, उसमें कास्टिज्म कुछ लोगों के मन में आज भी इसलिए अत्याचार होते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर इंटरकास्ट मैरिजेस में अगर मैरिज को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है। या इंटरकास्ट मैरिज हुए है, दोनों एक दूसरे के घर जाते आते हैं, उनको ऐसा ना नहीं लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने भी कोशिश करनी चाहिए, केंद्र सरकार भी हमारी कोशिश कर रही है। मेरे मंत्रालय के तरफ से 2.5 लाख रुपए हम ऐसे कपल को हमने देते हैं और यहाँ राज्य सरकार जो है पंजाब की राज्य सरकार या 50,000 मदद देती है, हरियाणा की सरकार 1 लाख रुपये मदद देती है। तो इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अभी इंटरकास्ट लव मैरिज होते हैं लेकिन प्रपोज मैरिज होते नहीं है, तो प्रपोज मैरिज के लिए भी कोई NGOs ने, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोशिश। हाँ, तो मुझे लगता है कि दलितों को हथियार के विषय जो है, अगर सभी कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, अत्याचार होगा नहीं, तो हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना ये था कि अगर अत्याचार होते भी है तो उनकी गलती नहीं है, वो परंपरा की गलती है, ट्रेडिशन की गलती है, तो आप हथियार मत उठाओ, इसीलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म को स्वीकारा है। इसलिए मुझे लगता है कि हम शांति को ही हम मजबूत करना चाहते हैं।